आज सुबह 5 बजे कंट्रोल रूम से मैसेज आया हमारे अधिकारियों पे कि सचिन विस्तार में एक गैस कंपनी में गैस लीकेज की घटना बनी है। फिर हम लोगों ने तुरंत जो हमारे जो टीम होते हैं क्विक रिस्पांस टीम, मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, एनएसएस डिपार्टमेंट और जो हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं उन सबको ताबड़तोड़ इन्फॉर्म करके और जो हमारे सुप्रिटेंडेंट मैडम थी वो भी इधर आए और हम लोगों ने ताबड़तोड़ ट्रीटमेंट चालू किया। ऑक्सीजन का और वेंटी का तुरंत फटाफट खोल के जो है उसको अटैचमेंट दिलवाया और अभी हाल तक जो हमारे पास 6 पेशेंट मृत हालत में लाए गए और 20 पेशेंट जो है लाइव कंडीशन में लाए गए। जो 20 पेशेंट है वो 20 के 20 पेशेंट को हमने एडमिट किया है और इस केस में जो गैस एक्सपोजर होता है उसमें श्वास लेने में तकलीफ होती है रेस्पिरेशन में, उसके लिए जो वेंटिलेटर की जो है वो सफिशेंट हम लोगों ने अवेलेबल करवा दिया है। ऑक्सीजन के बॉटल्स भी हैं और 5D में हम पेशेंट को शिफ्ट किए हैं और वहाँ पे कंबाइंड टीम मेडिसिन के डॉक्टर, सर्जरी के डॉक्टर, एनएसए के डॉक्टर मिलके सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी कहना जल्दी होगा, हमारा कंसर्न पेशेंट के ट्रीटमेंट का था तो हम पेशेंट, क्योंकि पेशेंट जो आए हैं वो भी सब अर्ध बेवान है, कोई आधे बेहोश है, तो पहले उनकी क्राइसिस को दूर किया, बाद में डिटेल हिस्ट्री भी कंपनी से पूछे गैस लीकेज कैसे हुआ। वैसे हमारे पास ट्रीटमेंट का होता है, वी आर गिविंग द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट एंड हमारी यही इच्छा रहेगी कि अब कोई कैजुअलिटी हमारे यहाँ नहीं बने, ये और भगवान से प्रार्थना।